हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में व्यस्त होंगे, तो आज एक चीज़ और मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगी कि इफ़ यू आर हैविंग वर्ड्स विथ यू, इफ़ यू हैव मेक योर वोकैबुलरी इन योर माइंड, हाउ विल यू यूज़ दैट वोकैबुलरी इन फ्रेमिंग योर सेंटेंसेस। आपके पास शब्द भंडार तो है, शब्दकोश तो है, लेकिन अब उसको सेंटेंसेस में आपको बनाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको एक कोई वर्ड लेकर के चलना है और उस वर्ड से हमको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनाना है और सेंटेंसेस को भी फिर हमें उन्हें बढ़ाते जाना है बाय अप्लाइंग एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस एंड गैप फिलर्स एंड ऑल दैट वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर माइंड, यू कैन ऐड दैम एंड यू सी द सेंटेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग and a paragraph will be made out of it. Yes, whenever you are doing practice by yourself, whenever you are speaking with yourself, you are doing practice of speaking English, what you have to do, first you write down whatever you are going to speak today. Aaj aapko jiski bhi speaking ki practice karni hai, just take paper and pencil, take one notebook, write down all those sentences which you are going to speak in front of your mirror. For example, I will tell you today in this video, I will tell you how you will do this. आप कैसे करेंगे इसको? चलिए आज हम बनाते हैं friend को लेकर के कुछ sentences. Very common word friend. We all are having friends. Okay. So now how we will start? I have many friends. I love to make new friends. I have a big circle of friends. Some are my WhatsApp friends. ठीक है ना, जिनसे हम रोज मिलते तो नहीं है लेकिन हम व्हाट्सएप पर उनसे बातचीत करते हैं, उनके हालचाल जानते हैं. तो सम ऑफ देम आर माय व्हाट्सएप फ्रेंड्स, सम आर माय फेसबुक फ्रेंड्स, सम आर माय इंस्टाग्राम फ्रेंड्स. तो ये आपने तीन कैटेगरी अपनी फ्रेंड्स की बता दी. अब फ्रेंड्स के साथ हमको क्या क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है ना? फिर आप जब भी कोई पार्टी करते हैं, वेन एवर यू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, वेन एवर यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, यू कॉल ओनली लिमिटेड फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स विच आर वेरी क्लोज टू यू. सो आई इन्वाइट क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन इन माई बर्थडे पार्टी. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स. अब इस सेंटेंस को आप देखिए कैसे बढ़ाएंगे. आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड. आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग इन द प्ले ग्राउंड विथ माई फ्रेंड्स. देखिए छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐड कर करके इस तरह से आपको सेंटेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं. देन वी प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, ठीक है, इन द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग इन द नियर बाय प्ले ग्राउंड ऑफ आर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी के पास के ही एक प्ले ग्राउंड में, मैदान में हम कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं. समटाइम्स वी प्ले इंडोर गेम्स ऑल्सो लाइक चेस, लूडो, कार्ड्स. ओके, सो समटाइम्स वी प्ले सम इंडोर गेम्स ऑल्सो. देन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स के दौरान, को कैसे बोलेंगे, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स वी और फ्रेंड्स सिट टुगेदर एंड स्टडी. आई लव माई फ्रेंड्स वेरी मच एंड they all are very careful, they are very close to me, they are my well-wishers and a friend in need is a friend indeed. ek bahut famous proverb hai ki ek jo dost mushkil mein kaam hamare aata hai wahi hamara sachcha dost hota hai. to isko bhi hum isme sath mein bol sakte hain, a friend in need is a friend indeed. is tarah se aap different different topics lijiye और आप उनके सेंटेंसेस बनाइए. और मैं आपको अगले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी. आप होमवर्क के लिए आप रेनबो का एक सेंटेंसेस बना सकते हैं. राइट डाउन सम सेंटेंसेस ऑन रेनबो. व्हेन यू सी रेनबो, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, इन विच ऑर्डर द कलर्स आर, एंड रेनबो इज कंपेयर्ड टू विच फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. एंड इन दिस वे कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन स्पीकिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.